हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट डिश पाव भाजी। तो आइए शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए मटर, गोभी, गाजर, आलू। मैंने क्या किया है, इन सारी सब्जियों को चॉप करके उसके बाद इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और स्टेन कर लिया। अब हम इसे बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डालेंगे। प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के एक विसल आने तक हम इसे बॉईल करें। जब तक हमारी वेजिटेबल्स बॉईल होती हैं, हम उसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर डालने से हमारी सब्जी का फ्लेवर बहुत एनहांस होता है, तो आप बटर अच्छी तरह डालिए। जब हमारा ये बटर मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जस्ट जीरा फ्राई हो रहा है हमारा। जीरा फ्राई होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप किए हुए। जब आप प्याज डालें, प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। हल्का ब्राउन होने तक हमने प्याज को भूनना है। आपको इसमें 5 मिनट्स लग सकते हैं प्याज को भूनते हुए। एक बार जब हमारे प्याज भून जाएंगे तो हमने इसमें डालना है चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हमने डालना है इसमें हरी मिर्च, चॉप की हुई हरी मिर्च। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए, अब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। पाव भाजी में हम हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्दी से येलो कलर आ जाता है, वो पाव भाजी हमेशा रेड कलर में ही होती है। अब हमारी ये मिर्च फ्राई हो रही है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। मैंने 4 या 5 मीडियम साइज के टमाटर लेके इसको मैंने मिक्सी में ग्रेट कर लिया और इसकी प्यूरी तैयार हो गई। प्यूरी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च। इसमें बहुत सारा जाएगा सूखा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिए, नमक आपने वेजिटेबल बॉईल करते टाइम भी डाला है, तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आपने सब्जियों को बॉईल करते टाइम जो पानी यूज़ किया था ना, वो पानी को आपने फेंकना नहीं है,
वो पानी हम ग्रेवी में यूज करते हैं। अच्छी तरह इसको भूनना है जब तक कि ये आपके लिए ऑयल ना छोड़ दे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, वो पानी हम टमाटो प्यूरी जिस जार में बनाई थी हम उसमें मिक्स करके डालेंगे ताकि जो भी टमाटो है वो सारा इसमें मिक्स हो जाए। अब ये अच्छी तरह से एक बॉईल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी सारी बॉईल की हुई वेजिटेबल्स। ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई हैं। बस इसमें एक बॉईल आने वाला है, उसके बाद हम डालेंगे वेजिटेबल्स। अब ये देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है, अब हम हमारी सारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। बॉइल्ड वेजिटेबल्स को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मैश करना है। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हमारी सब्जी ऑयल ना छोड़ दे। आप इसको एक मैशर से भी मैश कर सकते हैं और इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैश करना है। यदि आपको ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी और ऐड कर सकते हैं, पानी वो ही ऐड करना है जो हमने बॉईल किया हुआ है। ये देखिए हमारी वेजिटेबल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। मैं साथ साथ में इसको थोड़ा थोड़ा मैश भी करी जा रही हूँ। जितना हो सकता है आप पहले इसी के साथ मैश करिए, फिर ज़रूरत पड़े तो आप मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं। पाव भाजी की यही खासियत है कि आप इसको जितना भूनेंगे उसमें फ्लेवर उतना ही ज़्यादा आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर। ताकि मैं इसे अच्छी तरह और भी भून सकूं और मैश कर सकूं। गैस आप मीडियम कर सकते हैं। अब आपने इसको बार बार मैश करके इसे भूनते रहना। अब ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर। अब ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है पनीर ग्रेट करके। पनीर को हमने ग्रेट करना है, फिर हमने इसमें डालना है। इससे पाव भाजी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और पनीर बच्चों को भी बहुत पसंद है तो इससे बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है ये।
इसमें सारी वेजिटेबल्स के गुण प्लस पनीर, तो बच्चों के लिए एक अच्छी मील रेडी हो रही है। मैंने इसमें नियर अबाउट 50 ग्राम्स पनीर ग्रेट करके डाल दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए आपकी पाव भाजी, आपकी भाजी तैयार है। और अब आप इसको सर्व करने के लिए गरम गरम ही सर्व करें। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है हरा धनिया, चॉप किया हुआ खूब सारा हरा धनिया। ये हमारी भाजी रेडी हो गई। अब हम पाव को सेकने के लिए सबसे पहले इस पे लगाएंगे बटर। एक पैन तवे पे बटर लगा के पाव को गरम करना। अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद ही, आप जल्दी मत करिएगा इसको निकालने की, फिर ये प्रॉपरली रोस्ट नहीं होगा। ये देखिए हमारी पाव भाजी इज रेडी।